आपको दिखा दें कि मंच पर अभी बंटू सिंह बोलने आए हैं और भी बड़े नेता अब उदय नारायण क्या चौधरी, एक बात बताइए, अजय कुमार सिंह जो यहां से प्रत्याशी हैं और तारापुर के प्रत्याशी जो रहे अजय कुमार शाह वो भी मौजूद हैं। हम मुखिया जी लोग से भी बोलना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लोग जो हैं, मेंबर लोग, जिला परिषद जो लोग हैं, उन लोग से, सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे ये लोग कहा बोलेगा, खूब चकमा पार्टी सब हो, खूब चकमा सब बोलेगा। जो लालू जी और तेजस्वी जी के पैर पर गिर करके मुख्यमंत्री बना है कौन और बोलता है तेजस्वी जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में बोलता है। अरे वो तेजस्वी जी हीरो है ना, जो अच्छा अच्छा को क्या कर देते हैं तो पता चल जाएगा। अब बहुत लोग नेता लोग आ गए हैं, जय प्रकाश भैया मेरे आए हुए हैं, समझ गए ना, जय प्रकाश बाबू आए हुए, इनको मेरा प्रणाम है। उदय नारायण चौधरी जी मंच पर है, उनको प्रणाम है, सब लोग को मेरा प्रणाम है। मुंगेर के पोलो ग्राउंड में एमएलसी चुनाव का प्रचार चल रहा है, कुछ ही देर में तेजस्वी यादव यहां पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले मंच की तस्वीर देखिए, उदय नारायण चौधरी समेत और भी कई बड़े नेता इस मंच पर मौजूद हैं, बंटू सिंह भी मौजूद हैं, साथ ही समर्थकों का हुजूम जो है वो देखते ही बन रहा है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए ये लोग मुंगेर के पोलो ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। साथ ही जब अजय सिंह नामांकन भर के निकले तो किस तरह का नज़ारा था उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और अजय सिंह जो मुंगेर से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में वोट मांगने बंटू सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भी पहुंचे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी सुनिए। जयप्रकाश जी, मुंगेर पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, क्या लग रहा है नतीजा क्या रहेगा? पूरी ताकत लगाई है माननीय लालू जी, हमारा गठबंधन, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, और पूरा भारी मत से 2400 सीट जीतेंगे। और मुंगेर में अजय कुमार सिंह जी भारी मत से जीतेंगे, सब जो है भारी मत से। चलिए तो जय प्रकाश नारायण यादव यहाँ पहुँच गए हैं और अब कुछ ही देर में इस मंच पर आने वाले हैं, जहाँ पर राजद के और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं। तो मंच पर बंटू सिंह को आप सुन रहे थे, अनंत सिंह के हनुमान और तेजस्वी का बाण, उन्होंने कहा कि उन्हें कहा जाता है। साथ ही नीतीश कुमार पर भी फिर आरोप लगाया कि जनादेश की वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे पिछली बार, और इस बार भी वोटों के घपले की वजह से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए हैं। और मुंगेर में जो चुनाव प्रचार है वो लगातार चल रहा है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।